हेलो दोस्तों, मैं नाम है सिद्धार्थ सेना और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं पास 100% सीआईबी एग्जाम इन 60 डेज, 60 दिन का समय है अभी आपके हाथ में, जिसमें मेरा ये मानना है कि 100% आप पास कर जाएंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई झंझट नहीं है। पहला सवाल आपके मन में होगा, 60 दिन एनफ टाइम होता है क्या? तो मेरा बोलना है यस, बहुत ज्यादा समय है सर, ये बहुत ज्यादा समय है। ये आप 20 से 30 डेज में कोर्स को खत्म कर सकते हैं आप, ठीक है, बहुत ज्यादा है। सीआईबी में तीन चीज हो जाती है इंपॉर्टेंट। पहला तो थ्योरी हो ही गया, दूसरा केस स्टडी हो गया, और एक और चीज आ जाता है एडिशनल रीडिंग मटेरियल। इस वजह से ये पेपर थोड़ा लेंदी हो जाता है, चैप्टर्स भी इसके बड़े बड़े हैं, और ये सब इस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है, ठीक है। एडिशनल रीडिंग मटेरियल और थ्योरी दोनों आर बोथ आर सेम, मतलब सेम नहीं बोलूंगा, मतलब दोनों को मैं साथ में कंबाइंड करता हूं, तो यहां से 60% का सवाल आएगा, केस स्टडी से 40% का आता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग ये समझेंगे कैसे, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमें करना पड़ेगा। देखिए, समझिएगा बात तो समझ जाएंगे आप। अगर मैं यूनिट से कंपेयर करूं, कितने यूनिट से, तो एबीएम में अगर आप चलेंगे तो यहां पे आपको 33 यूनिट्स आएगा, बीएफएम में चलेंगे तो यहां आएगा आपको 30, रिटेल बैंकिंग में चलेंगे तो यहां आ जाएगा आपको 22 प्लस 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 क्या हो जाएगा, केस स्टडी, ये भी करना होगा आपको, जरूरी है भाई, यहां भी केस स्टडी होगा और यहां भी केस स्टडी है, प्लस 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 एडिशनल रीडिंग मटेरियल भी पढ़ना होगा, यहां भी और यहां भी आपको करना होगा, ठीक है, ओके, तीनों जगह एडिशनल रीडिंग मटेरियल आपको रहेगा। अब मैं अगर बात करूं कैसे क्या करना है, अब असली मोटो यहां पे हम लोग को देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा। अगर आप 1 घंटा 30 मिनट समय दे सकते हैं, यस, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और आप पास कर जाएंगे। कितना मांग रहे हो, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय तो मांगा नहीं है मैंने, ओके। अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप पास करेंगे। मैंने क्या किया है, इस पढ़ाई को पूरा डे वाइज बना दिया है, Day 1, Day 2, Day 3, ये इस तरीके का सीक्वेंस में अरेंज है, ठीक है, जिसमें आपको एबीएम, बीएफएम, रिटेल ये तीनों ऑप्शन दिखेगा। यानी डे वन में एबीएम भी पढ़ना है, बीएफएम भी पढ़ना है, रिटेल भी पढ़ना है। मान लीजिए कि यूनिट वन आपने पढ़ा, यूनिट वन यहां भी पढ़ा, यहां भी यूनिट वन पढ़ा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, 30-30 मिनट लगा के तीनों जगह आपने पढ़ा, ठीक है। अगर आप इतना समय देके पढ़ रहे तो आपको 100% आप कर जाएंगे। इतना करने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय लगता है, ठीक है, आ रही बात समझ में, 1 घंटा 30 मिनट का समय आपको लगेगा। मान लीजिए कि कोई आदमी क्लर्क है, उसके साथ प्लस पॉइंट क्या होता है कि 5 बजे आ जाता है घर या 6 बजे आ जाएगा, 6:30 बजे पक्का घर के अंदर होता है वो, ठीक है। तो अब ये चाहेंगे तो रात को, यानी इवनिंग टाइम में मैं बोलूं तो इनके पास आराम से 3 घंटे का समय है। मॉर्निंग टाइम में भी मैं चाहूंगा तो सब ये चाहेंगे सुबह 6 से 9 बजे पढ़ेंगे तो यहां भी 3 घंटे का समय है इनके पास, ठीक है। तो क्लर्क के लिए टाइम की तो कंजूसी है नहीं, टाइम तो पूरा है आपके पास, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है ऑफिसर को, वो भी सारे ऑफिसर को तकलीफ नहीं है, कुछ ऑफिसर 7 बजे आएंगे, कुछ ऑफिसर 8 बजे आएंगे, कुछ ऑफिसर 9 बजे आएंगे। 7 बजे भी आइएगा 2 घंटा पढ़ सकते हैं, 8 बजे भी आइए तो 1 घंटा पढ़ सकते हैं। मान लीजिए रात को 9 बजे आएंगे तो मान लीजिए बॉडी मना कर देता है, यार देखता है कि नहीं पढ़ पाएंगे आप, तो चलो हटाओ। आप सुबह तो पढ़ ही सकते हो यार, सुबह उठ जाओ, जल्दी खाओ पियो सो जाओ, 6 से 9 पढ़ो, 3 घंटा हकीकत में आपके पास भी समय है, ऑफिसर है तो भी समय है 3 घंटा। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से भागोगे आप ही पछताओगे, ठीक है यार। बार बार फॉर्म भरने से तो बढ़िया है ना कि एक बार पढ़ो और निकल जाओ। दूसरी बात क्या है
कि आप अगर फॉर्म भर चुके हैं इससे पहले, आप इस पर फॉर्म पैसा भरिए या नहीं भरिए अटेम्प्ट तो काउंट करेगा इस आईआईबीएफ। दूसरा बड़ा बात क्या है, फॉर्म भर दिया तो तैयारी क्यों नहीं करेंगे अब आप? ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी को 3 घंटा समय मिल रहा है तो 2 दिन की पढ़ाई कर लेगा, यूनिट 1 पढ़ लिया, अब यूनिट 2 पढ़ लेगा। ठीक है, यहां भी और यहां भी, तो यहां भी मान लीजिए पढ़ने में 1 घंटा 30 मिनट लगा। ठीक है, और समय मिल रहा है तो मान लीजिए यूनिट 3 पढ़ लेगा वो। समझ रहे बात आप? 3 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई रोक सकता है पास करने से। लॉजिक समझ में आ रहा है अच्छे से? लॉजिक समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर हो रहा है? दिमाग के अंदर बातें जा रही हैं जो मैं बताना चाहता हूं? ठीक है, ओके। तो समय निकालने से ही निकलेगा आपको। और मान लेते हैं, ओके अभी मैं आपको और समझाता हूं। मान लीजिए आपका सेकेंड और फोर्थ सैटरडे है, छुट्टी है मेरे भाई, संडे है ये भी छुट्टी है, फिर कोई आपको कैजुअल लीव आप ले सकते हो, पेड लीव ले सकते हो। ठीक है, ये सब नहीं भी करना चाहे तो आप वो कर सकते, क्या बोलते हैं, नेशनल हॉलिडे है जो छुट्टी सभी को मिलता है, फिर आपका एक स्टेट हॉलिडे होता है। ये सभी चीजों को अगर आप मिक्स करेंगे तो छुट्टियां अच्छी निकल आएंगी। और जैसे पेड लीव है, तो पेड लीव क्या है मेरे भाई, कि 300 से ज्यादा पेड लीव जमा होगा नहीं आपके अकाउंट में, और वो भी रिटायरमेंट का टाइम आप उसको इनकैशमेंट कर सकते हैं। और 4 साल में एक बार इनकैशमेंट होता है केवल 30 पेड लीव, जो आदमी 9 साल 1 महीना नौकरी कर लेगा और 300 पेड लीव जमा कर लेगा अकाउंट में। तो आप तो सोचो कितना नौकरी करोगे अभी आप, तो पेड लीव ऐसे रख के कुछ नहीं मिलेगा, लैप्स कर जाएगा, उससे बेटर यूज कर लीजिए आप। कैजुअल लीव तो खैर है ही, इसको भी यूज कर लीजिए, क्या करिएगा रख के। बाकी आपको ये सब यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप संडे हेल्थ नेशनल हॉलिडे स्टेट हॉलिडे को भी अगर यूज करते हैं हो जाएगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, इस दिन आप चाहे तो 7 घंटा भी पढ़ सकते हैं, 8 घंटा भी पढ़ सकते हैं, 9 घंटा भी पढ़ सकते हैं, मेरा ये बोलने का लॉजिक था। जिस दिन छुट्टी उस दिन ज्यादा पढ़िए ना, छुट्टी ज्यादा पढ़ाई करिए, ठीक है, पॉप अप करिए। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देना है, बहुत जरूरी होता है, आप स्टेप 1 में सबसे पहला काम करेंगे थ्योरी पढ़ेंगे, यानी थ्योरी वाला वीडियो पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थ्योरी वीडियो। स्टेप 2 में क्या करेंगे, केस स्टडी का वीडियो देखेंगे। स्टेप 3 क्या करेंगे, आप एडिशनल रीडिंग मटेरियल देखेंगे। इसी सीक्वेंस से पढ़ाई करना है, कुछ और मत करिएगा, कुछ भी आप फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना है। ठीक है, ये तीनों इसी सीक्वेंस आपको पढ़ाई करते चलना है। अब मैं बात कर रहा हूं 100% आप पास कैसे करोगे। सवाल होगा हाउ, कैसे कैसे हो सकता है पास। सबसे पहला स्टेप 1 है, आप वीडियो लेक्चर कोर्स पूरा करेंगे। स्टेप 2 क्या है, इसे दोनों चीज आ गई, वीडियो लेक्चर कोर्स में थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, प्रिपेयर योर ओन नोट्स, अपना खुद का नोट्स बनाना है, ये ध्यान रखिएगा भाई, अपना नोट्स खुद बनाना है। स्टेप 3, डू ए रेगुलर रिवीजन, रेगुलर रिवीजन करना बहुत जरूरी है। कुछ भी पढ़ो रिवीजन नहीं करोगे तो सारा चीज बेकार ही हो जाता है, सब तो समझानते ही हैं, तो एक रेगुलर रिवीजन होना अनिवार्य है। स्टेप 4, अब थोड़ा क्वेश्चन बैंक भी देख लो, उसको भी थोड़ा देखने से मेरा ये मानना है कि 10% का क्वेश्चन तो आ ही जाता है एग्जाम में, 10-15% भी आ जाता है, नसीब नसीब का बात है, 10% आ जाता है। फिर भी 3 काम करना है आपको, वीडियो कोर्स
पूरा सुनना है, अपना नोट्स खुद बनाइएगा। देखिए दो पेन यूज करिएगा, ब्लू और ब्लैक कलर, ब्लू कलर से पूरा सेंटेंस लिखिएगा, ब्लैक कलर से हाईलाइट करिएगा, बोर्ड पे जो जो चीजें लिखा हुआ फुल स्टॉप कॉमा सब चीज कॉपी कर लीजिए और उसको 3 से 4 दिन के इंटरवल पे रिविजन करिए। ये बहुत जरूरी है, बहुत मैंडेटरी, नहीं करिएगा तो आपको समझ रहे बात, ठीक है? क्योंकि ये जेआईबी नहीं है, सीआईबी है, बाप है उसका, ठीक है? बहुत टफ पेपर माना जाता है सर, अच्छे से पढ़िए निकल जाइएगा, ठीक है? ढंग से पढ़िएगा तो टफ वफ कुछ नहीं यार, एकदम लॉलीपॉप लगेगा। पर अगर आप इसको नहीं होता है कि लाइट मोड में मत लीजिएगा बस। अब जो आपको कोर्स करना है उस कोर्स का नाम है फेस टू फेस वीडियो लेक्चर कोर्स। क्या नाम हो गया? फेस टू फेस वीडियो लेक्चर कोर्स हो गया इसका नाम। पहला इसमें आपको क्या रहेगा, तो आपको इसमें थियोरिटिकल का वीडियो लेक्चर कोर्स होगा, वीडियो लेक्चर होगा। फिर दूसरा क्या होगा, केस स्टडी का वीडियो होगा। तीसरा क्या होगा, ठीक है, तीसरा क्या होगा आपका, इसमें क्वेश्चन बैंक होता है वो आपको रहेगा, जो कि मैं ऐसे बोलता हूं 2000 है और आपको इफेक्ट ज्यादा होगा उससे, ठीक है? मान लीजिए 2000 बोले 3 कर लीजिए, 3 पेपर का। ये दो पार्ट के होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर का क्या पूछा हुआ सवाल, जो कि बेसिकली 20 साल का कलेक्शन किया रहता है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बैंक होगा आपको। चौथा चीज क्या रहेगा, आपको नोट्स मिलेगा पीडीएफ में, एडिशनल रीडिंग मटेरियल होगा पीडीएफ में, उसके बाद मॉक टेस्ट रहेगा, पर पेपर 10 मॉक टेस्ट, 10x3 कर लीजिए, 30 मॉक टेस्ट हो गया, ठीक है? सारा चीज आपको मिलेगा। अच्छा, फेस टू फेस वीडियो कोर्स जो होता है वो क्या होता है कि जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं बोर्ड पर, कुछ बोल रहा हूं, कुछ बता रहा हूं, तो उसी चीज को हम लोग फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं। जस्ट लाइक लगेगा कि आप फिजिकल कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा नहीं जैसे क्लासरूम बैठ के आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ओके, अब इसमें अगर आप CAIIB का अगर आप ABM करें या फिर BFM करें या फिर रिटेल करें, जो भी करना है आप कर सकते हैं, कोई भी पेपर करते हैं, तो इसका दाम है 1500 रुपये। अगर आप CAIIB का बहुत कंपलसरी पेपर करते हैं जिसका मतलब हो गया कि आप ABM प्लस BFM करना चाहते हैं, तो इसका दाम है 2700 रुपये। अगर आप CAIIB का ABM प्लस BFM प्लस रिटेल तीनों करना चाहते हैं, तो इसका प्राइस है 3500 रुपीज। क्लियर होगी बात? ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन कर सकते हैं, कॉलर्स नंबर हो गया 4x9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। आप
हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका कॉर्पोरेशन बैंक का क्लर्क से ऑफिसर स्किल वन बनने का प्रोग्राम के ऊपर है। देखिए, आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस बैंक की मर्जर हो रही है, पता ही है, ठीक है। और मर्जर होते होते जो लोग क्लर्क के पोस्ट पे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा न्यूज है, बहुत बड़ा न्यूज है। 1000 पोस्ट जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 1000 पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है क्लर्क से ऑफिसर बनने के लिए। कितना? क्लर्क से ऑफिसर बनने के लिए 1000 पोस्ट है। तो मेरे समझ से मतलब आज तक के हिस्ट्री में नहीं आया होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट ईयर भी आया था 250 का कुछ आया था, 251 पोस्ट था लास्ट ईयर, 251, और इस बार 1000। तो बहुत बड़ी चांस है, मतलब गोल्डन चांस है, मेगा चांस है जिसको हम बोल सकते हैं अपने शब्दों में। तो इसको क्रैक करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात क्या हो जाता है, अब आएगा असली चीज, तैयारी, प्रिपेयर, है ना। आप तैयारी कैसे करते हैं? तो यह अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आपको इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए, बाद में अगर आप मान लीजिए आप जिस पेरेंट बैंक में आप जाते हैं तो नेचुरल सी बात है कि आपकी ट्रीटमेंट सेकंड क्लास होगी और जो पेरेंट बैंक के लोग हैं उनकी पहले क्लास की ट्रीटमेंट होगी। इसलिए होता है कि वो बच्चा या जो भी लोग पेरेंट बैंक में बैंकिंग कर रहा है, जैसे ठीक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मान लीजिए बैंकिंग कर रहा है, तो वो बच्चा पहले हो जाएगा ना, उसके लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि शुरू से जॉब कर आप क्या है दूसरे बैंक से फिर इस बैंक में आपको मर्ज किया गया, सेकंड ट्रीटमेंट हमेशा होता है। जो भी आपको ऐसा महसूस होगा, और आप उन सभी लोगों को अच्छी अच्छी ब्रांचेज मिलेंगे और आपको नॉर्मली ऐसा ब्रांचेज नहीं मिल पाता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, ये आप किसी से पूछ सकते हैं, जो बैंकों की मर्जर हुई है वहां पे भी आप सुनेंगे ऐसी बातें रहती है। तो बट ये जो कॉर्पोरेशन बैंक है जाते जाते आपको एक अच्छा चीज तो देके जा रहा है यार, कम से कम 1000 पोस्ट क्रिएट कर रहा है, ऑफिसर बन जाओ, ठीक है। बाद में दिक्कत हो सकती है बट यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका अपना बैंक है कॉर्पोरेशन बैंक, तो आपको बनाएगा ही ऑफिसर, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं इस चीज के ऊपर, क्या क्या चीज आपको करना पड़ेगा, तैयारी कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो इसका जो भी सिलेबस है एंटायर सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, विथ आपको बैंकिंग प्रोडक्ट्स के साथ, जो कॉर्पोरेशन बैंक का जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स होता है उसके साथ, ये पहला काम, ठीक है, ये बैंकिंग प्रोडक्ट्स हो गया। दूसरा, तीसरा क्या रहेगा, आपको 3500 सेट का क्वेश्चन बैंक रहेगा। क्लियर हो गया बात? फोर्थ थिंग क्या होगा, आपको नोट्स होंगे पीडीएफ में, ठीक है। जो लोग जेआईबी निकाल रखे हैं, सीआईबी निकाल रखे हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस चीज को मत मिस करें आप, ठीक है, बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार तो मिलता है नहीं किसी को, मिल रहा है तो ले लीजिए, ठीक है, क्यों छोड़ना। पॉइंट नंबर टू, ठीक है, कि आप प्रिपेयर इस तरीके से करो क्योंकि कंपटीशन टफ होगा, आप ही नहीं बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ठीक है। कॉर्पोरेशन बैंक एक बड़ी बैंक है, मोर देन 2000 प्लस ब्रांचेज है इसका, तो 1000 पोस्ट बहुत ज्यादा पोस्ट तो नहीं है, तो फाइट टफ होगा, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करो। जो लोग जेआईबी सीआईबी कर रखे उनके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि नंबर ज्यादा ला सकते, नंबर मतलब जेआईबी प्लस सीआईबी के नंबर उनको मिलेंगे ना। जो लोग जेआईबी नहीं किए हैं, मान लीजिए आपके पास जेआईबी भी नहीं है, तो भी दिल मत छोटा करिए, आप इस तरीके से पढ़िए कि यहां पर नंबर आप ज्यादा ले आइए। जो रिटर्न एग्जाम होता है हमारा, ठीक है, जो रिटर्न एग्जाम है उसी में आप नंबर ज्यादा ले आइएगा तो काम बन जाएगा आपका। तो रिटर्न एग्जाम में अगर आप अच्छा नंबर ले आते हैं तो आप जो लड़का सीआईबी भी किया हुआ है उसको भी आप बीट कर सकते हैं, उसको भी आप हरा सकते हैं। और ये बात सच है कि कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो लोग जेआईबी भी नहीं किए हैं, पता चला कि प्रमोशन लेके बैठ गए हैं, और जो लोग सीआईबी भी किए हुए हैं उन बेचारे का भी प्रमोशन नहीं हुआ ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। भाई सीआईबी कर ले तो हो ही जाएगा, जरूरी नहीं कि सीआईबी कर ले तो हो ही जाएगा, अरे आपको रिटर्न एग्जाम देना है उसमें नंबर नहीं लाओगे तो कहां से होगा। पर जो लड़का जेआईबी नहीं किया हो तो जान ही रहा है कि मुझे रिटर्न एग्जाम में नंबर लाना होगा, इसलिए गोल्डन चांस है, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और करिए। और जो मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम कराऊंगा, ठीक है, उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, अब ये फेस टू फेस वीडियो कोर्स क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं बोल रहा हूं बता रहा हूं, बिल्कुल इसी तरीके से सारा वीडियो बनाया हुआ रहेगा,
बहुत इजीली समझ में आएगा और आप कर पाएंगे। इसका जो फीस है वो है ₹2000, ठीक है। जस्ट लाइक फिजिकल क्लासरूम कैसे होता है, टीचर पढ़ाता है सामने, वैसे ये फेस टू फेस सारी वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी, आपको मिल जाएगा जब मर्जी, तो पढ़ाई कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4×9685127, दूसरा नंबर है 7827546946, ठीक है। आप वेबसाइट में भी जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट है www.jaiibcaiibstudymaterial.com, ठीक है। ईमेल आईडी है sidsinha123@gmail.com, ठीक है। थैंक यू। वेबसाइट में भी जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट है www.jaiibcaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com, ठीक है। थैंक यू।